कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर आपको वर्क करना है तो यहां से विंडोज और आर प्रेस कीजिएगा, विंडोज के साथ आर, और यहां पे लिख दीजिएगा सीएमडी। सीएमडी कीवर्ड होता है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, समझ में आ रही है बात, ये सीएमडी, और एंटर कर दीजिएगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहां पर थोड़ा फॉन्ट की साइज को मैं बड़ा कर लेता हूं, फॉन्ट की साइज को बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट और स्पेस, ऑल्ट और स्पेस एक साथ प्रेस कीजिए, ये ओपन हो जाएगा, या फिर यहां पर जाकर के आप राइट क्लिक कर सकती हैं, समझ में आ रही बात, और प्रॉपर्टी पे चले जाइएगा और यहां से फॉन्ट पे जाकर के साइज को इंक्रीज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 20 रखना है, कितना रखना है वो देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा साइज बढ़ गया, अगर और बढ़ाना चाहते हो तो ऑल्ट स्पेस प्रेस करके और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाके और यहाँ से साइज और इंक्रीज हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए और साइज बढ़ गई, ठीक है। सबसे पहला कमांड एमडी, ठीक है, एमडी जैसे तुम्हारा क्या नाम है, पल्लवी लिख दिया, यही है ना स्पेलिंग, आप एंटर करें, एंटर कर दिया, यानी पल्लवी नाम से क्या बन गया, डायरेक्टरी बन गया। अब ये डायरेक्टरी कहां बना है, सी के यूजर्स के सूरज के अंदर में, ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां से सी ड्राइव में चलते हैं, तो यहां पर हमें सी ड्राइव मिलेगी, ये देखो इस पीसी पे गए, यही सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव के अंदर किसके अंदर था, देखो यहां फिर से देखो, यहां सी के अंदर यूजर्स में सूरज के अंदर में बना है, ठीक है, सी के अंदर यूजर्स, तो ये यूजर्स है, यही है ना, डबल क्लिक करो, और सूरज के अंदर में बना है, तो ये आ गए, और किस नाम से बना है, पल्लवी नाम से। तो पल्लवी देखो यहां कहीं है, मैं यहां पे दिखाना चाहिए, ये रहा है, ये देखो ये है ना, पल्लवी नाम से बना कि नहीं, तो यहीं पर ये आकर के सेव हुआ है, समझ में आ रही बात। अब इसमें क्या करना है, पल्लवी नाम से आपकी फाइल, फाइल नहीं बल्कि डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर जाना है तो क्या कमांड होगा, सीडी, सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग वही टाइप करनी है, कैपिटल या स्मॉल भी ध्यान रखना है, और वही नाम टाइप करना जो आपने ऊपर दिया है, तो ये दे दिया हमने, क्लियर, पल्लवी आ गया यहाँ पे। अगर आप चाहती हैं कि इस नाम को चेंज किया जाए तो डायरेक्टरी से बाहर आकर के कुछ भी करना है, तो सीडी डॉट डॉट करिए, बाहर आ गए ना। अब यहाँ पे नाम चेंज करना है तो रेन कमांड चलाएंगे, रेन यानी रीनेम, रीनेम कमांड, रेन इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अब यहां पर जो पुराना नाम था वो देना होगा, तो पी ए डबल एल ए बी आई, पल्लवी ये पुराना नाम है, ठीक है, और यहां पे नया नाम दे देता हूं अमित, ठीक है, एक नया नाम दे दिया हमने अमित, तो ये नाम चेंज हो गया। अब हम सीडी से अगर पल्लवी के अंदर जाना चाहें तो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पल्लवी नाम तो हट गया ना, उसका नाम हमने चेंज कर दिया, तो देखो ये इस तरह का एरर आएगा, समझ में आ रही है बात, जो यहां पर हम लोग चलाते हैं ना कमांड प्रॉम्प्ट, उसकी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आई बात। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे सीडी लिख करके क्या नाम टाइप करना है, अमित, क्योंकि नाम चेंज कर दिया अमित के नाम से, हो गया। अब देखो ये अमित आ गया ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फाइल। तो फाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं कॉपी कॉन, तो यहां कॉपी डैश कॉन लिख देना, कॉन सी ओ एन लिखना है, ठीक है, ये कॉपी कॉन लिख दिया। अब फाइल का नाम देना है, ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम दे देते हैं पल्लवी, ये हो गया, डॉट टीएक्सटी, डॉट टीएक्सटी का मतलब ये नोट पैड की फाइल है, अगर डॉट डीओसी अगर मैं यहां पे देता तो ये वर्ड पैड की फाइल होती, अगर मैं यहां पे डॉट एक्सएलएस देता तो ये एक्सेल की फाइल होती, अगर मैं यहां पर डॉट आरटीएफ देता तो ये किसकी फाइल होती, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि ये हो जाती वर्ड पैड की फाइल, ठीक है ना, वर्ड पैड में और एमएस वर्ड में अंतर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर डॉट एसीसीडीबी लिख दूं तो ये डेटाबेस की फाइल होगी, समझ में आई बात, या एमडीबी लिख दूं तो भी ये डेटाबेस की फाइल है, समझ में आया। अब यहां पर मैं डॉट टीएक्सटी लिख रहा हूं तो ये नोट पैड की फाइल है, एंटर किया, यहां पर कुछ लिखना होगा, ठीक है, आई एम एन इंडियन, ये लिख दिया मैंने, आई एम एन इंडियन, ठीक है। और यहां पर कॉपी करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि फाइल बनी हुई है वहां जाकर के हम कॉपी करेंगे, इसीलिए कंट्रोल जेड, कॉपी करने के लिए कंट्रोल जेड और एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं एक और डायरेक्टरी बनाना, तो डायरेक्टरी बनाने का कमांड एमडी, तो यहां पर एमडी लिखिए और यहां पर एक और डायरेक्टरी मैं बना देता हूं रितेश नाम से, ये रितेश नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूं, डायरेक्टरी बनाने का कमांड एमडी, एमडी यानी मेन डायरेक्टरी, एंटर किया यहां पर आ गया, डायरेक्टरी हमारी बन गई, इसके अंदर जाना है सीडी करेंगे और आर आई टी ई एस एच लिखेंगे, समझ आई बात, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, रितेश बन के आ गया। अब इसके भी अंदर एक फाइल बनानी है तो यहाँ पे कॉपी कॉन करके आप फाइल बना सकते हैं, तो कॉपी कॉन लिखा और यहाँ पे हीना नाम से एक फाइल बनाया, हीना डॉट डीओसी करते हैं, डॉट डीओसी किसके फाइल की एक्सटेंशन है, एमएस वर्ड, तो यहाँ पे कर दिया हमने। और यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे कुछ भी ऐसे मैं टाइप कर देता हूँ कंट्रोल जेड करके और उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया ना, देखिए कहीं कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है ना। कॉपी करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल जेड प्रेस किया, एक बार, खाली एक बार प्रेस कीजिएगा नहीं तो कई बार प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी, ठीक है। अब कॉपी हो जाने के बाद
अगर हमें इस फाइल को देखना है तो कौन सा कमांड चलाएंगे, देखना है फाइल को तो टाइप कमांड। ये भी एक इंटरनल कमांड है, कमांड दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो यहां पर टाइप कमांड चलाएंगे, तो टाइप कमांड में क्या लिखेंगे, हिना डॉट डीओसी, यही दिया था ना नाम, यहां पर हिना डॉट डीओसी ही तो दिया था, और एंटर करेंगे तो वही सारी चीजें दिखेंगी हमको जो हमने लिखा था। देख सकते हैं एक एडिट कमांड आता है, वो एक्सटर्नल है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम अब एडिट कमांड नहीं चलाने जा रहे हैं, हम क्या कमांड चलाएंगे, अब हम चलाएंगे एक कमांड जिसका नाम है टाइटल। तो यहां पर देखिए ये काफी बोरिंग दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर देखिए ये अच्छा लग रहा है नहीं, यहां पर नाम आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, टी आई टी एल ई, ठीक है, और मैं अपना नाम दे देता हूं, ठीक है, मैं अपना नाम दे देता हूं, यहां पे लिख दिया सूरज। तो अब देखिए यहां ऊपर में सूरज आने लगा ना। तो ये जो है कौन सा कमांड है, ये भी एक इंटरनल कमांड है, टाइटल भी एक इंटरनल कमांड है, समझ में आ रही बात, तो इंटरनल कमांड हो गया। अच्छा मान लीजिए कि आप बने हुए फाइलों को देखना चाहते हैं कि ये रितेश के अंदर कोई फाइल बनी है कि नहीं बनी है, हालांकि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि रितेश के अंदर हिना डॉट डीओसी बना है, लेकिन अगर आपने सीएलएस कमांड टाइप किया, सीएलएस का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, तो सीएलएस कमांड टाइप किया तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, अब तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप खाली क्या कीजिए, डीआईआर टाइप कीजिए, ठीक है, डीआईआर टाइप करके और एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहां पे बता रहा है कि डीआईआर टाइप करने से ये बता रहा है कि हिना नाम की एक फाइल है जो कि हिना डॉट डीओसी के नाम से बनी है, यानी रितेश के अंदर कौन सी फाइल है, हिना नाम की। जब भी आपको फाइल को डिलीट करना होगा तो डेल डीईएल डेल कमांड प्रेस करेंगे, तो फाइल किस नाम से है, हिना, तो एच डबल ई एन ए हिना डॉट डीओसी, इसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, ये डिलीट हो गया। अब अगर हम चाहें कि टाइप कमांड का यूज करके हिना डॉट डीओसी देखें तो ये तो हमने डिलीट कर दिया, अब तो ये दिखेगा ही नहीं, ये तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, समझ गई बात। तो ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, डिलीट करने के लिए डेल, ठीक है ना, डिलीट फाइल को डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसके लिए अलग है। अब बताइए, अब एक बार चेक कर लेते हैं डीआईआर प्रेस करके है कि नहीं है, तो अब कहीं दिखा रहा है फाइल का नाम, पहले दिखा रहा था ऊपर देखिए यहां पे हिना डॉट डीओसी दिखा रहा था, लेकिन यहां पर हमने डेल कमांड चलाया, डेल कमांड चला करके इसको डिलीट कर दिया, यहां पे देखिए ये डेल कमांड चलाया ना, और डेल कमांड चला के इसको डिलीट कर दिया हिना डॉट डीओसी को, तब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो यानी कि ये वाली डायरेक्टरी, रितेश वाली डायरेक्टरी खाली हो गई। तो यहां सीडी डॉट डॉट करके बाहर आ जाते हैं, डायरेक्टरी से बाहर आने का कमांड सीडी डॉट डॉट, एंटर करके बाहर आए कमांड प्रॉम्प्ट, आप अच्छे से समझ लीजिए एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बाहर आ गए हम, ठीक है ना, बाहर आ जाने के बाद क्या करना है, इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आरडी, आरडी आरडी माने होता है रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है ना, किसको रिमूव करना है, रितेश को, रितेश से ही ना बाहर आए हैं, तो ये रितेश को रिमूव करेंगे, एंटर कर देंगे, तो देखिए रितेश जो है रिमूव हो गया। अब हम सीडी से रितेश में जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, तो ये देखिए मैं करके भी दिखाता हूं, ये देखिए है ही नहीं तो जाएंगे कहां से, ठीक है, अब हम बना सकते हैं उसी नाम से, ठीक है ना। अगर अमित को भी डिलीट करना है तो क्या अमित डिलीट हो जाएगा डायरेक्टरी, नहीं, पहले बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए सीडी डॉट डॉट से बाहर आते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कहां दिक्कत और आपको हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अमित के अंदर हमने पहले से फाइल बनाई है, तो क्या डायरेक्टली हम डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, ये आ गए डायरेक्टरी से बाहर, अब तो डायरेक्टरी डिलीट हो जानी चाहिए, क्या नाम है डायरेक्टरी का, अमित। तो यहां पर आरडी कमांड चलाएंगे और यहां लिखेंगे अमित, ए एम आई टी, अमित, ठीक है ना। अमित लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको एंटर करना है, तो क्या लिख के आ रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, एम्प्टी माने होता है खाली, जो आपकी डायरेक्टरी है वो खाली नहीं है, उसमें जो है एक फाइल मौजूद है पहले से। अब ये फाइल कौन सी है, इसको देखने के लिए हमें उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, तो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी, ठीक है, और फाइल का डायरेक्टरी का नाम अमित, तो ये लिख दिया, और देखिए अब ये डायरेक्टरी में आ गए अमित वाले, ठीक है। अब यहाँ पे डीआईआर कमांड चलाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये देखिए किस नाम से फाइल बनी है, हाँ, पल्लवी डॉट टीएक्सटी, इसको डिलीट करना पड़ेगा तब हम डायरेक्टरी को डिलीट कर पाएंगे, समझ आई बात। तो यहां पर डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, आरडी कमांड चलाएंगे, आरडी कमांड चलाने के बाद पी ए डबल एल ए वी आई, ठीक है, इसको लिखेंगे, नहीं, किसको लिखेंगे, आरडी कमांड चलाएंगे, क्या बताइए, आरडी तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए होती है ना, यहां पर डेल कमांड चलाएंगे क्योंकि हमें फाइल पहले डिलीट करना है, ठीक है ना, किसके अंदर यह फाइल बनी हुई है बताइए, नहीं, अमित के अंदर बनी है, ठीक है ना। तो डायरेक्टरी में रहते हुए हम फाइल को डिलीट करेंगे, जबकि डायरेक्टरी को अगर डिलीट करना है तो पहले डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा, डायरेक्टरी में कुछ भी करना है तो डायरेक्टरी से बाहर आके, लेकिन अगर फाइल में करना है तो उसी डायरेक्टरी में आपको रहना है। तो जो फाइल हमारी बनी है जिसका नाम पल्लवी डॉट टीएक्सटी है, ये इसी अमित के अंदर बनी है, तो यहां पर डेल कमांड चलाइए और लिख दीजिए पल्लवी, पी ए डबल एल ए बी आई और डॉट टीएक्सटी है, तो ये लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये अब डिलीट हो गया, ठीक है। और डिलीट होने के बाद क्या करेंगे, जैसे डिलीट हो गया तो
तो आप देखिए, अब इसमें हम टाइप करके जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PALLAVI और .txt, तो ये हो गया, एंटर करिए, देखिए गायब है। समझ में आई बात, क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें नहीं दिक्कत है, एक बार इसका अभ्यास कर लीजिए जल्दी से।